असल साल पहले मैंने पाइथन के तीन लेक्चर्स अपलोड किए थे 2022 की बात कर रहा हूँ मैं तो उस वक्त के पाइथन मेरे हाल से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि हर एक पाइथन सीख रहा है तो मैंने कहा अब इसको पूरी तरह फैला दिया जाए समझ ने मतलब कि अब इसके ट्रोलियन में पूरी तरह देने की कोशिश करूँगा जितने मुझे आते हैं जितनी मुझे इसकी नॉलेज है तो उसके मुताबिक मैं कहा कि बस जहाँ से मैंने छोड़ा था इफ स्टेटमेंट वगैरह मैंने इसे आगे मतलब मैंने पढ़ाना था तो मेरे यहाँ से वहाँ से मुझे अब पढ़ाना, तो पढ़ाना चाहिए पीछे मैंने जो लेक्चर दिया मैं वो आप देख सकते हैं तीन लेक्चर मैंने दिए थे शुरू में सबसे शुरू में अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ फोर स्टेटमेंट से फिर आगे फाइल पढ़ेंगे फिर डिशनरी लू, डिक्शनरीज लिस्ट उसके बाद टप्पल वगैरह और फिर हम फंक्शंस पे आएंगे, फिर हम क्लासेस पढ़ेंगे पूरी तरह इसको जितना हम समझ पाएंगे हम समझेंगे और इजी वे में समझेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम इसकी पूरी जान हम और साथ में लाइक पाइथन के छोटे मोटे टोटोरियल भी देते रहता हूँ जो मतलब मदद, मदद करते हैं आ, कोई काम करने में वो भी आप देखते रह करें <coughs> वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं तो उसके मुताबिक मैं भी ले आऊँ पाइथन के थोड़े बहुत टटोरियल तो पहला हम यहाँ से आज हम पढ़ेंगे फोर लूप कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं और बड़े मज़े की चीज़ हम इसको यूज़ करेंगे आज बताएँगे कैसे यूज़ करते हैं फोर लूप का क्या होता है फोर लूप बेसिकली वो लूप होता है जिसको हम जानते हैं जिसकी लिमिट हम जानते हैं <coughs> जिसकी लिमिट हम जानते हैं मतलब कि किधर तक हमने लूप कराना है ये हम जानते हैं तो इसे फोर लूप कहते हैं ये ये लूप होता है ये आ, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज सब लैंग्वेज में बेशक यूज़ होता है जैसे डू बाई लूप इस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता इतना लेकिन ये है कि बाकी लैंग्वेज में यूज होता है लेकिन वो पहले बहुत यूज़ होता था डू बाई लूप लेकिन ये है कि पाइथन uh, में सिर्फ दो लूप बेसिकली आप पढ़ेंगे वाइल लूप और फोर लूप तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं फोर लूप और फोर लूप से हम कोशिश करेंगे एक टेबल बनाने की और फोर लूप से मैं आपको नंबर्स वगैरह प्रिंट करवाऊँगा और एक लिस्ट भी प्रिंट कराऊँगा तो सबसे पहले हम एक नंबर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं फोर लूप से एक वन से लेकर टेन तक एक नंबर हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हम लिखेंगे फोर अब फोर क्योंकि हमने लिख दिया है अब हमने एक वेरिएबल लिखना है जिसके थ्रू हम वो नंबर प्रिंट करेंगे तो हम लिख लेते हैं फोर एक्स ठीक है फोर एक्स इन अब हम वो लिखेंगे नंबर जो हमने प्रिंट करने हैं ठीक है मतलब उनकी रेंज लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करने हैं हमने लिमिट रखेंगे समझो मैं आपको बता दूँ तो हमने एक से लेकर एलेवन तक अब मुझे यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एलेवन क्यों आ गया बीच में कि भाई टेन क्यों नहीं आया क्योंकि हमसे एक से दस तक मैंने प्रिंट करवाने है नंबर तो मैं एक से एवन क्यों लिख रहा हूँ तो एक से एवन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो लूप होता है उसमें ज़ीरो को वन कहा जाता है ठीक है तो मतलब कि हमारा जो वन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो अगर हम ग्यारह तक जाएंगे तो हमें दस तक जाना है तो हमें ग्यारह लिखना पड़ेगा अगर हम दस लिखेंगे तो यहाँ पर नौ प्रिंट हो जाएगा तो वो मैं आपको पर दिखाऊँगा लेकिन पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं तो वही वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने नंबर हमने इंसर्ट करवाए हैं जिसको जिसके थ्रू हम प्रिंट कराए हैं ठीक है तो हमने प्रिंट एक्स लिख दिया अब हम इसको प्रिंट करेंगे और आप इसको वी एस कोर में भी कर सकते हैं पाइचार में भी कर सकते हैं किसी आई डी ई में भी नॉर्मल कर सकते हैं कोई इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है तो वन से लेकर टेन तक हमने नंबर प्रिंट कर दिया अब मैं क्या कह रहा था आपको अगर हम इसको टेन लिख देते हैं तो ज़ीरो से वो स्टार्ट होगा और वो नंबर किधर तक जाएंगे नाइन तक देखा हमने तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो बेसिकली जो लूप्स होते हैं उसमें हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है जो प्रोग्रामिंग में वन होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है यानी जीरो इक्व टू वन सही है तो फिर आगे उसके आगे काउंटिंग नॉर्मल हो जाती है तो यही वजह होता है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी बंदा इसमें इवन प्रोग्रामर भी कन्फ्यूज हो जाता है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी है उन लोगों की कि जिन में मेरा यूट्यूब में ग्लिच हुआ था कि यूट्यूब में इस तरह गलच हुआ था कि वो प्रोग्रामर ने थ्री की जगह थ्री हंड्रेड हाथ से लूप लगा दिया था तो वो प्रोग्राम काफी मेरे हाथ से थ्री हंड्रेड वन का लूप करता रहा है जो इस तरह उसका सॉरी थ्री हंड्रेड का लूप लगा दिया था थ्री हंड्रेड में थ्री टू हंड्रेड नाइन का कोई लूप करता रहा इस तरह कुछ तो वो कुछ गलू इस मैंने सुना था लेकिन यह है कि आपने इसका ध्यान रखना है खैर तो बे... अब देखते हैं अब हम मैं बताता हूँ आपको कि टेबल हम लास्ट में बनाएंगे अभी हम इससे बनाते हैं लिस्ट अब मैं बताऊँगा लिस्ट क्या होती है अब लोग लिस्ट, लिस्ट का फिलहाल हम अगल, अगले अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे वाइल्ड लूप के बाद लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे, दे देता हूँ कि लिस्ट क्या चीज़ है तो लिस्ट बेसिकली होता है कि जिस चीज़ को आप आ, किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं ठीक है लिस्ट आ, लिस्ट ऑफ डेटा होती है बेसिकली डेटा डेटा की लिस्ट होती है बेसिकली आप कुछ भी डेटा की लिस्ट बना सकते हैं तो इसको लिस्ट कहते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं बस इसका मतलब इसका यही है इतना तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं है, उसको हम आ, लूप करवाएंगे सही है तो हम कोई भी लिस्ट बना लेते हैं एप्पल और ये स्ट्रिंग्स का ध्यान रखना है कि आगे पीछे गलत हो जाए तो फिर वो है सॉरी और मैंगो अच्छा अब हम प्रिंट करवाएंगे यानी लूप करवाएंगे सॉरी तो अच्छा एक बड़े मजे की चीज होने वाली है अब अब यहाँ पे हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो ये तीन बार प्रिंट होगा सही तो है ये, ये पूरा तीन बार प्रिंट होगा मैं बताता हूँ कैसे फोर एक्स एक्स की जगह आप आई भी लिख सकते हैं कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है आपको लिखो जो मर्जी आए आप लिख लें मैं तो वैसे ही मतलब कि अपने हिसाब से लिख रहा हूँ जो मुझे जो मेरी दिमाग मेमोरी मुझे अच्छा लगता है एक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो खैर <coughs> अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को अब मैं बताता हूँ क्यों मिले इसको प्रिंट करें देख रहे हैं आप ये तीन बार लूप हुआ है तीन बार लूप क्यों हुआ है मैं बताता हूँ जितनी बार आपने जितनी स्ट्रिंग्स लिखी होंगी उतनी बार वो लूप होगा आप देखें मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ मैंगो को अब मैं इसको वो पेंट करता हूँ दो बार होगा लूप देखें आप दो बार अगर अब मैं ऑरेंज को ख़त्म कर देता हूँ तो सिर्फ एक बार लूप होगा ठीक है अब इस तरह क्यों हो रहा है इस तरह इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे जितने भी स्ट्रिंग यूज होने होंगे वो उसी के मुताबिक लूप करेगा अगर हम इसको स्ट्रेट लूप करना चाहते हैं अगर हम सिर्फ एक लाइन में इसको लूप करना चाहते हैं यानी जैसे मैं अभी बताता हूँ तो अगर हम इसके अंदर एक्स लगा देते हैं तो वो एक ही लाइन में लूप हो जाएगा जिस तरह अभी तो दो लाइनों में हो रहा है ना लेकिन वो एक ही लाइन में लूप हो जाएगा तीन बार देखें अभी देख रहे हैं एप्पल चेंज सॉरी ऑरेंज और मैंगो ये बेसिकली मतलब एक लाइन नहीं सॉरी मतलब कि इसका मल्टीपल ट्रिपल लाइन में हो रहा है लेकिन एक ही कॉलम में हो रहा है सही है एक कॉलम में हो रहा है जो था वो ये वाला था वो पूरा मतलब के पूरी रोज़ ले रहा था तीन रोज़ ले रहा था लेकिन ये एक सिंगल कॉलम है सिंगल कॉलम करने के लिए हमें वेरिएबल के थ्रू कराना होता है और अगर हमें पूरी लिस्ट को रो वाइज प्रिंट करवाना है तो हमें इसको लिस्ट के थ्रू प्रिंट करना होता है ठीक है तो बेसिकली अगर जितने भी आपके पास वेरिएबल स्ट्रिंग्स होंगे उतने ही वो तो वैल्यूज तो तो प्रिंट करेगा उतनी ही वो वो मतलब कि उतनी बार बार ही उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा अब हम इसको तीन लिख लेते हैं येलो लिख देता हूँ ठीक है येलो अब ये चार बार प्रिंट करेगा ठीक है क्योंकि हमने इसको चार बार लिख दिया अब सामने देख सकते हैं आप तो अब हम तो इसको लिस्ट कर देते हैं जिस मर्जी जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप प्रिंट कर सकते हैं इसे तो ये देखें चार बार प्रिंट कर रहा है अब हम इसको नॉर्मल इसको एक ही कॉलम में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस तरह कराएंगे एक्स से देख लें आप तो अब हम समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये क्यों चार बार प्रिंट हो रहा है या क्यों तीन बार प्रिंट हो रहा है क्यों दो बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ होंगी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उतनी बार ही वो प्रिंट करेगा सही हो गया अच्छा अब यहाँ पर बड़े मजे की चीज़ आती है अब आती है कि अब हम इसको एक टेबल बनाते हैं फॉर लुक के थ्रू एक टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं कि टेबल कितने का टेबल बनाना चाहते हैं अगर फाइव का टेबल बनाना चाहते हैं सिक्स का टेबल बनाना चाहते हैं तो यूज़र से हम एक वैल्यू ले लेते हैं वैल इक्वल्स टू अब यूजर से इंटीजर वैल्यू लेंगे क्योंकि वो नंबर में है ठीक है नंबर में हमेशा इंटीजर वैल्यू ली जाती है इनपुट अच्छा अब यूज़र से हम बोलेंगे भाई इंटर कर दो कोई टेबल इंटर एनी टेबल ठीक है कोई भी टेबल इंटर करेगा ना तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा तो फोर अब यहाँ पर हमारी गेम हो गई अब एक्स जो होगा ना वो बेसिकली वन टू तो, थ्री फोर लूप होगा ठीक है वन टू वन से लेकर टेन तक का लूप है एक्स हमारा ठीक है वो मेरे अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ फॉर एक्स इन तो हमने प्रिंट कराना है एक से वन से तक का टेबल तो हम क्या यूज़ करेंगे वन से एलेवन तो वो आपको समझ आ गया होगी मैंने क्यों यूज़ किया तो अब मुझे बार बार इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े ठीक है तो ये है कि अब मैं बताता हूँ कि अब हमें यहाँ पास बड़े मज़े की चीज़ करनी है क्या करनी बताता हूं? है बताता हूँ अब हमारे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास एक्स आ गया तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे हम छोटा से छोटे से प्रिंट के थ्रू ही हम इतना बड़ा टेबल बनाने वाले हैं अब हम यहाँ पे पहले वाले में वेल लिखेंगे क्या लिखेंगे वेल वेल well, यानी वो जितने का भी टेबल यूज़ करेगा ना उतने का प्रिंट होगा मैं आपको नंबर वाइज करके दिखाऊंगा टेंशन नहीं लेनी अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिर्फ इसी को प्रिंट करूँगा ठीक है अभी वो हमसे नंबर लेगा अब इंटर एनी नंबर मैं फ़ाइव लिख देता हूँ ठीक है फाइव देख रहे हैं फाइव 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 इसने टेन बार प्रिंट किया यानी हमारा पहला वाला पार्ट आ गया टेबल का ठीक है अब हमारा दूसरा पार्ट कौन सा होता है मल्टीप्लाई बाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम वही होता है टेबल में यही होता है ना फाइव मल्टीपल बाई वन फाइव मल्टीपल्लाई बाई टू फाइव मल्टीप्लाई थ्री फाइव फोर मट्टीप्लाई फोर तो ये वाला पार्ट प्रिंट, प्रिंट करने के लिए हमें एक्स यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक्स के अंदर लूप हो रहा है क्या वन से लेकर टेन तक का लूप एक्स में हो रहा है ठीक है तो एक्स हम प्रिंट करेंगे अब देखें कितना मतलब कि मैं इसको कहता हूँ अब अब सॉरी अब बीच में हमने एक्स तो बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला सैम्पल तो डालने और उस बॉल डालने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को ठीक है स्ट्रिंग का हम नॉर्मल एक्स कोई भी मतलब कि अल्फाबेटिक ऐसी एक्स यूज़ कर लेंगे हम कोई मतलब इसमें कोई वो कोई ढूंढना नहीं पड़ना पड़ेगा हमें कोई बाहर से हम सिर्फ अल्फाबेटिक एक्स यूज़ करेंगे वो भी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का हमेशा आपने डालनी है ये ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि स्ट्रिंग भी यूज़ कर देते हैं और वो बीच में सीमिकॉलन सॉ हाँ सीमिकॉन क्या कहते हैं इसको कोमास नहीं डालते ठीक है तो हाँ तो वो लाजमी डालना है आपने ठीक है तो फिर उसके बाद हमने डा यूज़ करना है अब मैं आप बताऊँ एक्स यूज़ करना है अब देखना कितनी मज़े की चीज़ें बनवा वाली है और मैं इसके आगे थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ ताकि वो थोड़ा डिसेंट लगे अब ये होगा फाइव मल्टी बाई वन फाइव मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है आपको नजर समझ आ जाएगी अब देख लें फाइव मल्टीपला बाई वन फाइव मल्टीप्लाई बाई टू अब फाइव किसका है वैल्यू में फाइव ठीक है फाइव जो पूरा दस बार प्रिंट हो रहा है ना वो वैल्यू में फाइव है और एक्स किसका एक्स हमारी स्ट्रिंग है एक्स हमारा भी दस बार जिस जो जो इसमें लिखते जाएंगे ना वो सारा दस बार प्रिंट लूप होता जाएगा सॉरी तो वो समझ गए होंगे आप तो एक्स लूप हो रहा है ठीक है और उसके बाद ये एक्स क्या है ये एक्स ये वाला एक्स है ठीक है वेरिएबल एक्स है ये ये तो जो ब्लू कलर में होगा वो वेरिएबल एक्स होगा जो भी होगा वो वेरिएबल होगा ठीक है ब्लू कलर में हमेशा वेरिएबल होगा तो ये है और जो येलो कलर में येलो कलर में होगा वो यूजर सॉरी डेटा फंक्शन होगा मतलब कि इन साइड फंक्शन होगा बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली तो वो उसके साथ तो हम शेयर निकाल कर सकते सिर्फ यूज़र डिफाइंड के साथ हम छेड़ा नहीं कर सकते खैर तो एक्स के अंदर वैल्यू थी वन से लेकर टेन तक की वैल्यू वो वन से लेकर टेन तक प्रिंट हो गया खैर हो गया ठीक हो गया तो अब हम चाहते हैं कि अब इसका रिजल्ट भी बने देखा फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू तो जो भी मतलब कि उसका फाइव मल्टीपल वाई वन फाइव फाइव मल्टीपल वाइ टू टेन इस, था, इस था, सारा वो आए तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे फिर कॉमा डालेंगे फिर हम इसके अंदर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे उसके अंदर इक्वल्स टू डालेंगे इक्वल्स टू इसलिए स्ट्रिंग में डालें क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल डाल देते हैं फिर एरर आ जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल बन जाएगा और वेरिएबल इसका कोई डिक्लेयर नहीं हुआ सॉरी ये कोई स्टेटमेंट बन गई अब कंडीशनल तो कंडिशनर स्टेटमेंट तो हम लगानी नहीं है तो बेसिकली हम इसको स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे ठीक है सेफ रहने के लिए और टेबल बनाने के लिए ये हो गया ओके हो गया सही है तो अब यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लिया अब यहाँ पे इक्वल्स हुआ आ जाएगा ठीक है तेन बार टू हुआ जाएगा इनके आगे अब इसके आगे इसका रिजल्ट लाने के लिए हमने क्या करना है सिंपल वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो एक्स से ठीक है वैल्यू को मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं एक्स से वैल्यू को इस एक्स से क्यों मटीप्लाई करें क्योंकि वैल्यू में उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने उसको टेबल दिया है यानी फाइव का टेबल दिया है वो इसमें है और जो उसकी उसकी काउंटिंग चल रही है जितने का टेबल है वो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर टेन तक का टेबल है वो वो काउंटिंग इसमें चल रही है तो वो लूप होते होते वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते रहेंगे हर वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती रहेगी हमारी इस ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती रहेगी एक एक्स से और वो रिजल्ट लेती रहेगी इधर ठीक है यहाँ पर रिजल्ट आता रहेगा तो मैं बताता हूँ क्या मतलब मैं कह रहा हूँ फाइव का टेबल देख लें आप फ़ाइव मल्टीप्लाई वन फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाई टू टेन ठीक है यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई वैल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया वैल्यू में क्या था वैल्यू में हमारा फ़ाइव था टेन बार लूप हो रहा था और एक्स में क्या था हमारा एक्स में जनाब हमारा वन टू थ्री फोर टेन टाइम लूप हो रहा था और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए इन इस पार्ट में जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो वो फाइव टेन फिफ्टीन टवेंटी जो भी है मतलब कि ये टेबल आ गया ठीक है तो ये इस तरह फोर लूप यूज़ कर सकते हैं इस तरह बड़े इसके फ़ायदे हैं और आप बड़ी इसको चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर जॉब करना चेक कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी जिस टाइप का आप फोल्ड लू बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग आपसे मतलब कि पेपर वगैरह में या कहीं आ, मतलब कहीं मतलब कि कहीं जाएँ वगैरह आपसे पाथन पूछी जाए लूप के थ्रू पूछा जाए तो कोई टेबल ही प्रिंट करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्योंकि टेबल बड़ा मतलब कि लोग समझते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ा मजे मतलब, का मैंने मतलब कि आपको करके दिखाया ईजी होता है बहुत बड़ा मतलब कि इसमें कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ठीक है तो जो मैं आपको मतलब कि पाइथन uh, की मतलब कि समझ ना आए तो ये आप सॉरी uh, लूप की समझ ना आए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और जो भी आप करना चाहते हैं करें ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको अग, अगली बार वीडियो में मिलूंगा इन शाला हाफिज